और चूंकि थाने से हार्डली कोई कोई 10 मिनट का फासला है, तो पुलिस फौरी मौके पे पहुंची। और इस तरह पुलिस ने अब ये वकुआ कब से वहाँ पे वो मौजूद थी, ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन में अभी क्लियर होगा, तो इस हवाले से मतलब जब उनके मुलाजमों को हम ए सच, चूंकि एक और भी इसमें एक इशू है कि ये वकुआ होते हुए कोई आई विटनेस मौजूद नहीं था, तो इसलिए इस हवाले से जो वहाँ पे मुलाजिम थे उस घर में, उनसे तफ्तीश हमारी जारी है। ये तो मालूम हुआ है कि जो मुजरिम है वो नशा करता था, मुख्तलिफ चीजों का ड्रग्स लेता था, लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ क्या उस वक्त वो नशे में था या अपने होशोहवास में था? जी, जहाँ तक उसके नशे की बात है, ये मैं यही कहूँगा कि ये एज सच हमारी इन्वेस्टिगेशन का डोमेन तो नहीं है, लेकिन जब हमने उनको पकड़ा तो ही वॉज साउंड इन हिज सेंसेस, वो सेंसेस में था, तो इसलिए जो नशे वाला एलिमेंट है तो उसको मैं शायद उसकी पास हिस्ट्री होगी, लेकिन एटलीस्ट इस टाइम पे वो बिल्कुल सेंसेस में था और उसको बांधा गया, उसको मतलब जो उसने किसी और पे भी हमला किया और फिर उन लोगों ने उनको बांध के उनको पकड़ा और पुलिस भी इसी मौके पे फौरी मौके पे पहुंच गई। तो जहां तक इंसिडेंट के हवाले से बात है तो ही वॉज वेल साउंड इन हिज ओन सेंसेस। अच्छा सर, ये बताइए कि इस केस में बहुत सी चीजें वेग थी, जिस तरह कहा जा रहा था कि ये शख्स जो है इसको कोई इंटॉक्सिकेटेड उस टाइम के था, लेकिन साथ ये भी कहा रहा था इसकी कोई रिहेबिलिटेशन भी चल रही थी, क्योंकि और दूसरी कुछ ट्वीट के सामने है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यूके में भी इसको वहां से डिपोर्ट इस वजह से किया गया था कि ये वहां पे कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री थी इसकी, तो क्या इस हवाले से भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आई? तो क्या पिस्तौल वहां से मिला जिसमें उल्टी गोलियां डाली गई थी? जी, दो तीन चीज़ें आपने पूछी। नंबर वन के जो इफ़ आई कुड आंसर योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट, वो यही है कि वाकई उसके वहाँ उसके घर से पिस्टल भी बरामद हुआ है, लेकिन जो हमारी इब्तदाई तफ्तीश भी है और जो मेडिकल रिपोर्ट भी है उसमें फायर आर्म हुआ नहीं है, कोई इंजरी नहीं हुई है, लेकिन उसके पास था और रिकवर भी हुआ है पिस्टल, और एट द टाइम ऑफ रिकवरी उसमें वाकई वो जो गोली थी वो पस गई थी। तो ये था दूसरा जो आपका पॉइंट है एडिक्शन, एडिक्शन के हवाले से, एडिक्शन के हवाले से और रिहेबिलिटेशन के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से हम पूछ रहे हैं, लेकिन हमारा इतना ज़्यादा मेरे ख्याल में इस पे फोकस नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे तो उसने ज़्यादती की है जो भी है, और वो उस वक्त एटलीस्ट सेंसेस में था, तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे कि हमारा फोकस ज़्यादा उस वक्त जो उसका मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड था, हमने उस पे फोकस किया और उसके मुताबिक जो हमारी इब्तदाई तफ्तीश है वो बिल्कुल साउंड था। अब उसकी अगर कोई पास हिस्ट्री है तो ये अगेन आई विल से कि ये इन्वेस्टिगेशन का डोमेन नहीं है, वो अगर कोई प्ली लेना चाहे तो वो उनकी तरफ से ले, लेकिन हमारी हमारी जो फाइंडिंग है वो यही है कि उस वक्त वो बिल्कुल साउंड था, होश व हवास में था, और उसने इंतहाई बड़ी ज्यादती की है जो भी किया है। दूसरा जो आप उसका पास्ट आप जो कह रहे हैं कि यूके का, तो चूंकि हमारे पास ए सच ये वाला रिकॉर्ड है नहीं कि अगर तो मुल्क के अंदर कोई उसके ऊपर कोई पर्चा है, तो अगर चाहे वो केपी में भी है, सिंध में भी है, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, लेकिन चूंकि ये फॉरेन किसी कंट्री में है तो ऑफिशियली हमारे पास ए सच रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, चूंकि वो हमारे पास अभी रिमांड पे है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछी जा रही हैं कि आया इस फ्रेम इस हवाले से नहीं कि आया वो कोई रिहेबिलिटेशन में रहा या नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें अगर कंसर्न है, हमें सिर्फ उसके क्राइम रिकॉर्ड से कंसर्न है कि आया वो किसी और मुल्क में भी कोई इन्वॉल्व रहा है किसी क्राइम में या नहीं। अच्छा, ये क्या बात है सर, ये बताइए इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि वजह क्या थी मारने की, और क्या ये सामने चीज आई है कि एविडेंस मिला है कि उनका कोई मौके पर झगड़ा हुआ? जी, झगड़ा जो है जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन दो पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, एक तो उसकी अपनी जो मुलजिम है वो हमारी कस्टडी में है, उनसे इन्वेस्टिगेट हो रहे कर रहे हैं, दूसरा वहाँ पे जो उसके घर पे मुलाजिम थे वो भी शामिल तफ्तीश हैं, तो झगड़े का जिक्र है उसमें। अब ये बात के क्या हुआ और एग्जैक्ट उस टाइम पे क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने ये कत्ल किया, तो ये थोड़ा सा डिटरमिन करने वाला है, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि चाहे जितनी भी बड़ी वजह हो, किसी को कत्ल करने का कोई हक नहीं पहुँचता, और वो भी इस तरह ब्रूटली।
जो घर है वो ज़ाहरी बात है वो उसका मेकअप अगर आप देख लें, उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर देखें, तो वो चूंकि अंदर से जिस तरह लॉक था और वो चूंकि ऊपर के कमरे हुआ है, तो उनकी इब्तदाई जो बयान है उनके मुताबिक कि उनको शोर की आवाज़ आई। लेकिन ज़ाहरी बात है अब ये डिटरमिन करने वाला है कि आया उनको ये पता था कि ये शोर जो है वो एंड अप होगा किसी मर्डर पे। अगर उनको पता है कि ये वाकई इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट मर्डर की सूरत में आएगा, तो फिर वो भी वाइकैरियस लाइबिलिटी में आ जाते हैं और क्रिमिनल नेगलिजेंस में आ जाते हैं। लेकिन अगर वैसे शोर शराबा होता है, तो अगर इन केस उनको नहीं पता होता कि ये इसका अंजाम क्या होगा, तो फिर वो मतलब उसकी जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो उसको भी हम फिर जिम्मेदार उस हद तक ठहराएंगे। मेरे ख्याल में पुलिस का मुंह खुलवाना, तो ज़ाहरी बात है जो भी हमारे पास लीगल अथॉरिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कहूँगा, जो हमारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्रोसीजर्स हैं उन पे हम लगे हुए हैं, तो ये मुंह खुलवाना ना खुलवाना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि खुलवाना मतलब हम उनको इंटरोगेट कर रहे हैं, तो उनकी इंटरोगेशन हो रही है। और दूसरी बात के एक मर्डर हुआ है, मौके से वो पकड़ा गया है, मौके से रिकवरी मतलब सारा कुछ रिकवर हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई उसको कोई लिवरेज मिलेगी। इवन इफ़ अगर वो लीगली वो कोई इनकार भी, और ज़ाहरी बात है कोई भी जो इस तरह का एक्यूज़ होता है वो कभी कन्फेशन नहीं करता, और ना पुलिस के सामने अगर कन्फेशन कर ले उसकी कोई जो है वो कानूनी हैसियत भी उसकी एक बड़ी लिमिटेड होती है। तो हमें पूरा इख्तियार हासिल है अपनी इन्वेस्टिगेशन का, हमारी जो फाइंडिंग होगी वो बिल्कुल जो ठोस शवाहिद होंगे, चाहे वो अपना बयान दे या ना दे, हमारी इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग उन शवाहिद के जो है उसकी लाइट में होगी, उसकी रोशनी में होगी, और इंशाल्लाह हम उसको कन्विक्ट करवा के रहेंगे और हम उनको पूरी सज़ा दिलवा के रहेंगे। अभी को हमारे पास एटलीस्ट कोई एप्लीकेंट नहीं है, लेकिन मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जुरात का थोड़ा हमें मुजाहरा करना चाहिए, एज ए सोसाइटी सामने आए, हम उनके साथ खड़े हैं। इस तरह मैं हमेशा यही कहूंगा कि जब पुलिस के नॉलेज में ये बात आएगी तो हम कॉग्निजेंस लेंगे, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया पे बात हो रही है और हमारे नोटिस में नहीं है, तो ज़ाहरी बात है अगर वो सोशल मीडिया वाला भी अगर आप काइंडली हमें बता दें, हम डायरेक्टली उनको जो है कांटेक्ट कर लेंगे, अगर वो कोई इस तरह की बात करेगा तो ज़ाहरी बात है उसके खिलाफ उस हद तक भी कार्रवाई होगी। सर मैडम मामला बैठी हुई है सर, इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट केस है वो अफगान एम्बेसडर की जो लड़की है वो तो तुर्की जा चुकी है, लेकिन क्या वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया केस? जी डिस्पोज ऑफ तो कभी केस नहीं होता, वंस एन FIR इज लॉज्ड तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ही होती है, तो चाहे उसमें जो मुलजिम होता है, चाहे उसमें जो विक्टिम होता है, चाहे अगर वो प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ज़ाहरी बात है जब वो होगा तो वो हमें कोऑपरेट करता है, लेकिन इस हवाले से वो केस तो चल रहा है मेरे ख्याल में, कोई ऐसी बात नहीं, डिस्पोजल वाली कोई बात नहीं। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वो वाला क्वेश्चन किया है जो मेरे दिल की बात थी कि, और शुरू में मैंने शायद इसका जवाब भी दिया है, और शुरू में मैंने एक बात भी की है कि एक मिसकंसेप्शन पिलाई जा रही है, शायद डिलिब्रेटली पिलाई जा रही है, या कुछ लोगों के जहन में वो खदशात होते हैं जो आम तौर पर किसी भी शहरी के जहन में होते हैं। जहाँ तक उसके जहनी मरीज़ होने का ताल्लुक है, तो अगेन आई विल से जिस तरह मैंने पहले कहा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, हमारा फोकस उस इंसिडेंट के ऊपर है जो इंसिडेंट हुआ है, और मैं फिर से कहता हूँ कि वो इंसिडेंट उस वक्त वो बिल्कुल जहनी तौर पे ठीक था, हमने जब उसको पकड़ा भी है तो वो मेंटली साउंड था, तो इसलिए उसकी जो मेंटल हिस्ट्री है या उसकी जहनी जो हालत है, जो हेल्थ हिस्ट्री है, मेंटल हेल्थ की हिस्ट्री, उससे फ़िलहाल पुलिस की तफ्तीश का कोई लेना देना कोई नहीं है, लिहाजा हम इस
केस को बिल्कुल प्योरली इसी एंगल से ले रहे हैं कि उस वक्त उसने जो एक्ट किया आया वो जस्टिफाइड था या नहीं था, जो कि बिल्कुल नहीं था। दूसरी बात, आला कत्ल के हवाले से जो आला कत्ल रिकवर हुई है वो बिल्कुल हुआ है, आरी नहीं थी, वो बेसिकली दैट इज़ अ नाइफ, तो वो कत्ल वो हुआ, और जो है पिस्टल भी रिकवर हुआ है, लेकिन पिस्टल जो अब की हमारी इब्तदाई तफ्तीश है उसमें उससे गोली चली नहीं है। जिस तरह ये भी एक है कि पहले उसको फायर किया गया, इन केस अगर उसको फायर भी अगर कोई रिपोर्ट आती है, चूंकि मेडिकल अभी तक जो कंक्लूसिव रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई, लेकिन अगर उसमें आ जाता है तो ये कंफर्म है कि उसको कत्ल किया गया है और सबके सामने है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। शायद थोड़ा बहुत कोई इस तरह की हुई हो, लेकिन नॉट लाइक दैट कि कोई जख्मी हुआ है, जख्मी कोई नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात कि वो उसको किस तरह पकड़ा गया, तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें तफ्तीश पे रख लेते हैं ताकि ये ना हो कि कल को ये केस कंप्रोमाइज़ हो जाए, और बिल्कुल आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह मैं आपके वसात से सबको कह रहा हूँ कि सब तसल्ली रखें, सारी इस्लामाबाद पुलिस इसके ऊपर है, और बिल्कुल बीइंग ह्यूमंस, सिर्फ हम पुलिस वाले नहीं, हम इंसान भी हैं, तो जिसका भी कोई ब्रूटल मर्डर किया जाए, तो चाहे वो किसी बहुत ही बाअसर बाप का वालिद का बेटा हो, वी शुडंट केयर अबाउट हिज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कल्प्रेट। कल्प्रेट हमारे पास है और हम उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पूरे तौर पे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद चलान करेंगे। सर, पुलिस ने मुल्ज़िम का बयान जरूर दिया होगा, इब्तदाई तौर पे मुल्ज़िम का क्या मौका है? शायद मैंने पहले भी जिक्र किया है कि उसको हम कर रहे हैं, तो वो चूंकि थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से बड़ा एक सेंसिटिव मामला है कि सेंसिटिव मामला है, इसको फिलहाल इसको इधर ही रहने दे, लेकिन अगेन मेरा जवाब वही होगा कि इवन इफ अगर वो निगेट भी करता है तो एक चीज़ बिल्कुल सामने पड़ी है, एविडेंस सामने पड़ी है, तो इट डजेंट मैटर। और कल को अगर कोई लीगल वैल्यू भी उसकी बनती है तो वो एविडेंसिस की बनती है कि जब एविडेंसिस हो गए हैं और हमारे पास एविडेंसिस हमने कलेक्ट किए हैं, तो मेरे ख्याल में उसकी स्टेटमेंट शायद इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगी, रेलिवेंट ज़रूर होगी लेकिन उसके ऊपर सजा जजा वाला शायद एलिमेंट ना हो। जी सोशल मीडिया, मैं वही कहूँगा कि सोशल मीडिया अगेन कुछ लोग उसमें बड़ी गैर जिम्मेदाराना किस्म की बातें कर रहे हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपकी बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। क्राइम सीन पे हमारे लिए जो सबसे रेलेवेंट बंदा था वो एक ही था, एंड दैट वाज द एक्यूज्ड, तो वो हमने पकड़ लिया, नंबर वन आपके पहले क्वेश्चन का। दूसरा, ब्लड टेस्ट का हमारे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से अगर तो हम उसके मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ इररेलेवेंट, इसलिए हमने कोई नहीं किया उसका और ना हमें कोई ज़रूरत है। जब हमें फिजिकली पता चला कि जी ये बंदा बिल्कुल होश और हवास में है तो दैट इज़ सफिशेंट, फिर हमें इतनी निटिग्रिटीज़ में नहीं जाने की ज़रूरत। कल को उंगलियाँ भी उठ जाती हैं, जैसा उठ रही हैं बावजूद इस बात के हमने नहीं किया, फिर भी उठ रही हैं। तीसरी बात के पोस्टमार्टम जो है वो उसकी कुछ फेजेस होती हैं, फर्स्ट फेज़ की आ गई है जिसमें उन्होंने इब्तदाई तौर पे उसके जिस्म पे कितने निशान थे ज़ख्म के, वो सिर्फ वो उन्होंने क्लियर किया है, बाकी पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट अभी नहीं आई। और आखिरी के उसके घर वाले, मेरे ख्याल में तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जी उन्होंने उनको खींचा, लेकिन उनको हम कर रहे हैं कि अगर उनके घर वालों का भी उसमें कोई रोल निकला तो आप तसल्ली रखें कि इंशाल्लाह उनको भी शामिल तफ्तीश करके अगर उनका कोई लायबिलिटी निकली और उसमें कोई वो मुलव्वस पाया गया, उसके घर वाले जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी हैं,
मेरे ख्याल में चूंकि एक बहुत सीधी सी बात है कि हमने मुलजम पकड़ लिया है, उसको हम कर रहे हैं, अगर तफ्तीश में उनके घर वाले या कोई भी बंदा आउट ऑफ दैट सर्कल अगर वो कोई मुलव्वस पाया जाता है तो हम उसको भी पकड़ेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।